हाय गाइस, नमस्ते। कैसे आप सब? आज मैं बना रही हूँ आलू के फिंगर्स। तो चलिए देखते हैं आलू के फिंगर्स की रेसिपी। आलू के फिंगर्स बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा, आधा कटोरी बेसन और आलू छील के लिया है। आलू को हमें इस तरह से काट लेना है। थोड़े मोटे मोटे पीसेस काटने हैं इसके। हाँ, आलू को हमें इस तरह से काट लेना है। इस तरह से आलू को काट लेना है। आलू को इस तरह से काट लिया है लंबे लंबे पीसेस में। अब इसके लिए हमें घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करने के लिए मैंने एक बर्तन में लिया है बेसन। चावल का आटा, अजवाइन, अजवाइन आधी छोटी चम्मच लेनी है और इसको ऐसे मसल कर डालना है। नमक स्वाद अनुसार डालना है। लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और मिर्च, इसे मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें अच्छे से घोल लेना। बेसन से भी बनाया जा सकता है फिंगर्स, लेकिन मैंने चावल का आटे का यूज़ किया है क्योंकि चावल के आटे से फिंगर्स बहुत क्रिस्पी होंगे। आप चाहे तो चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। घोल रेडी हो गया है। अब हमें इसे फ्राई करना है। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ऑयल को पहले चेक कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने डाल देना है इसमें फिंगर्स। गैस की फ्लेम को अभी हाई रखना है। ये सब पलट के चेक करना है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देना है। और इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं। ये फिंगर्स पक चुके हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है। इसी तरह हमें बाकी के भी फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ हाई रखनी है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर स्लो कर देना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देना है। आलू हमने कच्चा ही डाला था, इसलिए अगर ये हाई फ्लेम पर रहेगा तो आलू ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन ये अंदर से आलू कच्चा ही रह जाएगा। तो इसलिए गैस की फ्लेम को इस टाइम पे स्लो रखना है और इसे धीमे आँच पर पकने देना है गोल्डन ब्राउन होने तक।
चलिए नहीं पलट के देख लेते हैं। फिंगर्स रेडी हो गया है, पक गया है बिल्कुल। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो चावल को आप थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर उसे मिक्सी जार में पीस लीजिए और इससे घोल बना लीजिए उसका। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। फिंगर्स काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं और सर्व करेंगे। तो फिंगर्स रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम सर्व करते हैं। मैं इसके लिए ले रही हूँ मीठी सॉस और ये गर्मा गर्म फिंगर्स। सर्व कीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आपके घर में फिंगर्स किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइए।